तो चलिए स्टूडेंट्स अगला फॉर्मूला देखते हैं, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, उसके बाद हम लेते हैं थर्ड सिलेंडर, सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखेंगे, राइट सर्कुलर, सिलेंडर को क्या लिखा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्यों राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि इसमें जो हाइट होती है सिलेंडर की, जो हाइट होती है सिलेंडर का जो रेडियस होता है वो क्या मिलते, वो दोनों राइट एंगल के बनते हैं। यहां पर देखिए जैसे एक सिलेंडर बनाया गया, देखिए सिलेंडर कैसा है, ऊपर एक फ्लैट सरफेस है सर्कल, नीचे एक फ्लैट सरफेस है सर्कल, है ना, उसके बाद ये क्या है, ये है रेडियस, ये सिलेंडर का क्या है रेडियस, ये सिलेंडर का क्या है रेडियस, है ना। अब यहां पर देखिए नीचे वाला जो बॉटम वाला वो भी क्या है सर्कल है, ऊपर वाला जो है टॉप वाला वो भी क्या है सर्कल है, तो सर्कल है तो ये यहां से यहां तक क्लियर, तो डायमीटर हो गया, तो इसका यहाँ पे हाफ क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, यहाँ पे स्मॉल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर, दोनों जो जो फ्लैट सरफेस है यानी ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों क्या है इक्वल है, यहाँ पे भी रेडियस स्मॉल आर, वहां पे भी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। और हाइट क्या होगी, यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी या कह सकते इसको हाइट, ये क्या होगी एच, स्मॉल एच, ये हाइट क्या है, यहां से यहां तक की हाइट एच, यहां से यहां तक की हाइट एच, ठीक है। अब यहां पर देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर देखिए सिलेंडर की जो हाइट है ये एच, और सिलेंडर का जो रेडियस वो क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसका 90 डिग्री का, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें फॉर्मूले कितने यूज होंगे इसको भी हम लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया, यहां पे जो है कर्व्ड ही यूज होगा, क्योंकि यहां पे देखिए जैसे ये सिलेंडर मान लीजिए मार्कर है, ये सिलेंडर है, अब यहां पे देखिए ऊपर का पोर्शन कैसा है, ऊपर का सर्कुलर, नीचे वाला भी सर्कुलर, उसके बाद ये बीच का देखिए, ये बीच का ये पोर्शन जो है ये कर्व्ड है ना, घुमा हुआ है, सीधा नहीं है, इसलिए यहां पे लेटरल सरफेस एरिया ना यूज करके हम कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया केवल क्यूब और क्यूबॉइड में यूज होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे जो सर्फेसेस होते हैं कैसे होते हैं, वो सीधे होते हैं, वहां पे कोई चीज कुछ कर्व्ड नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कुछ घुमा हुआ नहीं है ना, यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पोर्शन है ना ये घुमा हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जहां पे कोई भी सरफेस कर्व्ड रहेगा वहां पे लेटरल सरफेस एरिया नहीं, वहां कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाएगा, दोनों सेम ही होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए या लेटरल सरफेस एरिया, तो जहां पे कोई शेप कोई सा भी ले लिया गया, सिलेंडर ले लिया गया, कोन ले लिया गया, वहां पे अगर कोई सा भी सरफेस अगर कर्व्ड है तो वहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होगा, ठीक है, लेटरल नहीं। चलिए और होते दोनों एक ही, तो पहले हम ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या खाली सिलेंडर कह देंगे तब भी चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर का मतलब भी क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर का ये शेप होता है, ऊपर का देखिए एक फ्लैट सर्फेस, नीचे का एक फ्लैट सर्फेस, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, है तो राउंड है तो सर्कल लेकिन है फ्लैट, है कैसा फ्लैट, है ना, और ये वाला ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये जो घुमा हुआ पोर्शन है, ये जो घुमा हुआ पोर्शन ये क्या है कर्व्ड है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, इसके एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब टॉप का हम नहीं लेते, बॉटम का नहीं लेते, जो कर्व्ड पोर्शन होता है उसका एरिया, इस सिलेंडर की बात हो रही है तो इसके एरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो यहां पर देखिए ना टॉप का लेंगे ना बॉटम का लेंगे, केवल कर्व्ड का, ये केवल घुमा हुआ वाला पार्ट, केवल ये घुमा हुआ पार्ट, तो इस घूमे हुए पार्ट को क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए हम कोई धागा लेके इस पे लपेट देते हैं इस पे, तो वो जो डिस्टेंस है कंप्लीट की गई उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना, तो यहां पे हम निकाल लेंगे इसको कैसे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है टू पाई आर, क्या होता है टू पाई आर इंटू हाइट, क्या है एच है, देखिए हाइट एच है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टू पाई आर एच, क्या बनेगा टू पाई आर एच, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, टू पाई आर एच, ठीक है, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 या 3.14 जैसा सुटेबल हो रख देते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया, उसके बाद दूसरा हम लेते हैं टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिलेंडर, टोटल सर्फेस एरिया, तो आपको पता है टोटल सर्फेस एरिया निकालते कैसे हैं, जो कर्व सर्फेस एरिया होता है, कर्व सर्फेस एरिया कितना है टू पाई आर एच, जो कर्व सर्फेस एरिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों ऐड कर देंगे, तो टॉप का एरिया, टॉप में है क्या, टॉप में है एक सर्कल और रेडियस कितना है आर, तो टॉप का एरिया क्या निकलेगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर क्या स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर, और बॉटम में क्या है, बॉटम में भी एक सर्कल है उसका भी रेडियस क्या है आर, उसका भी एरिया क्या होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर,
होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा 2πR2। कितना आएगा 2πR2। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है 2πR। अगर हम यहाँ पे 2πR कॉमन ले लें 2πR तो बचेगा कितना h प्लस r। ये फॉर्मूला हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR इंटू एच प्लस आर, या फिर 2πR इंटू आर प्लस एच, इससे कोई मतलब नहीं, एच प्लस आर बोलिए आर प्लस एच सब बराबर है, तो 2πR इंटू एच प्लस आर ये बना। इसके बाद वॉल्यूम की बात करेंगे हम, किसकी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया कैसे आता है, बेस एरिया, जो बेस होगा उसका एरिया इंटू हाइट। किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी जो बेस में जो चीज होगी, जो सरफेस बेस में होगा उसका एरिया और जो हाइट होगी उनका प्रोडक्ट। तो चलिए आप हम लिख दे रहे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो चलिए एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है स्मॉल एच, तो हाइट लिख दी स्मॉल एच, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला किसका है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कितना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ये आ गया। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए आपका, कौन कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, यही तीन फॉर्मूले यूज होते हैं सिलेंडर के लिए, ठीक, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कोन पे, किस पे आते हैं हम, कोन पे, ये इतना कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब इसके बाद इसको मिटा दें, फिर हम आते हैं कोन पे, कोन बताते हैं आपको, चलिए ये मिटा दे रहे, ये मिटा दे रहे, चलिए चलिए अब हम ले ले रहे हैं कोन, ठीक है कोन बना ले रहे हैं, जी हमने ले लिया कोन, ये क्या है, ये है रेडियस, ठीक, ये क्या है लिख ले रहे हैं यहां से यहां तक, ये है हाइट, ठीक है यहां से यहां तक की ये हाइट, उसके बाद ये क्या है, ये है, ये भी हाइट है, लेकिन कौन सी हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो हमने बना लिया कोन, कोन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप देखी होगी, है ना, तो कैसे होता है, सही होता है, उसमें क्या होता है, एक यहां पे देखिए एक ऐसे सर्कुलर या कह सकते हैं कर्व पोर्शन होता है, कर्व होता है ना, कोन देखा होगा आपने कर्व, उसके बाद नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला तो फ्लैट सरफेस होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल की तरह होता है लेकिन वो फ्लैट होता है, यानी कि एक फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व्ड होता है कि नहीं कोन में, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया रेडियस, क्योंकि नीचे सर्कुलर पोर्शन है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गया, इस सर्कल का डायमीटर हो गया, और इसका अगर हाफ करेंगे तो ये लेंथ क्या होगी, ये रेडियस हो गया, ठीक है। और यहां से यहां तक देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो ये पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइट, कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट या परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली हाइट देखिए, ये जो है इसको भी हाइट बोलेंगे, लेकिन ये स्लैंट हाइट बोलेंगे, इसको तिरछी ऊंचाई, स्लैंट देखिए तिरछी है ना, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एल, स्मॉल एल यानी कि स्लैंट हाइट, और ये स्मॉल एच, स्मॉल एच यानी कि वर्टिकल हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट, और स्मॉल आर क्या है, ये रेडियस है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे भी जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम बता दे रहे हैं, तो कोण तो समझ आ गया ना, कोण का डायग्राम कैसा होता है, स्लैंट हाइट होती है, वर्टिकल हाइट होती है, रेडियस होता है, ठीक, एक फ्लैट सरफेस होता है, सर्कुलर होता है लेकिन फ्लैट होता है, और एक कर्व्ड होता है ना, ऐसे करके होता है, तो कर्व्ड होता है, घुमा हुआ पोर्शन होता है ना, हाँ। चलिए अब इसके लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको हम बताते हैं, तो हमारा क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, यानी फोर्थ है आपका कोन, कोन को भी हम लिखते हैं क्या, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो हाइट है, इस कोन की जो हाइट है, वर्टिकल हाइट है और रेडियस है, वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए इसको भी राइट राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन। इसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड का मतलब
जो कर्व्ड पार्ट होगा, यहाँ पे ऐसे कोन है तो ये कर्व्ड पार्ट जो घुमा हुआ वाला है उसकी एरिया की बात हो रही है, टॉप और बॉटम उसको नहीं लेना, केवल कर्व्ड पोर्शन की। तो चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, अब जैसे वहां पे जो हमने सिलेंडर देखे, सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर लिया था तो इसमें कितने फ्लैट सर्फेस थे, यहाँ पे दो थे, एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल, दो सर्फेसेस थे ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही फ्लैट सर्फेस है, देखिए ये एक ही सर्कल है ऊपर नहीं है, तो वहां पे जब दो सर्कुलर सर्फेस थे तो हमने क्या लिया था, इनका यहाँ पे जो घुमा हुआ एरिया था, जैसे ये सिलेंडर लिया था इसका क्या लिया था हमने, सर्कमफ्रेंस लिया था, सर्कमफ्रेंस क्या लिया था, सर्कमफ्रेंस लिया था 2πr। अब यहाँ पे देखिए एक ही सर्कुलर पोर्शन यहाँ पे ले रहे हैं, इसका एक बता रहे हैं लॉजिक कि कैसे इसको याद रखना है आपको, ठीक है, तो 2πr लिया था। अब यहाँ पे देखिए एक ही सर्कुलर पोर्शन है तो उसकी वजह से हम क्या करें, इसका हाफ ले लेंगे, 2πr का हाफ πr हो गया है, होगा ना, यानी हाफ सर्कमफ्रेंस यहां लिख दे रहे हैं ऐसे, हाफ सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये आपको लॉजिक बना रहे बता रहे हैं कि फॉर्मूला आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। चलिए हाफ सर्कमफ्रेंस इंटू, अब यहां पर देखिए ये हम ले रहे कर्व सरफेस, हाफ सर्कमफ्रेंस इंटू क्या ले रहे इसकी हाइट, तो हाइट कौन सी लेंगे यहाँ पे, स्लैंट हाइट लेंगे, कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा हाफ सर्कमफ्रेंस अगर हमने ले लिया यहाँ पे 2πr वहां पे लिया था तो यहाँ पे हम लेंगे πr इंटू हाइट यानी कि एल स्लैंट हाइट, तो फॉर्मूला बना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का πr है, πr एल, r रेडियस है और एल क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया आपको पता है, टोटल सर्फेस एरिया क्या लेते हैं हम, पूरा एरिया यानी जो पूरा कोन बना हुआ उसका पूरा एरिया, जितने भी उसमें सर्फेसेस हैं, फ्लैट सर्फेस हो या कर्व्ड सर्फेस हो, सबका एरिया टोटल सबका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है हमने कर्व्ड का तो निकाल ही लिया, कर्व्ड का जो सर्फेस एरिया आया वो कितना है, पाई आर एल आया। अब इसमें देखिए जो टॉप और बॉटम का जो एरिया होगा, जो फ्लैट सर्फेस है उनको भी हम ले लेंगे, तो टॉप में तो कुछ है ही नहीं है ना, टॉप में कुछ नहीं है लेकिन बॉटम में एक सर्कल है यानी इसका हम एरिया ले लेंगे बॉटम वाले का, तो यहाँ पे सर्कल जो है इसका रेडियस क्या आर, तो सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस अगर आर है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये इसमें ऐड कर देंगे आ गया टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, पाई आर कॉमन हो रहा है, पाई आर ले ले, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एल प्लस आर, एल प्लस आर यानी आ गया पाई आर इंटू आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये फॉर्मूला आया टोटल सर्फेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक। चलिए इसके बाद अब वॉल्यूम की बात करते हैं, इसकी हम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर कोन के वॉल्यूम की हम बात करें, कोन के वॉल्यूम की, तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर एच, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको कोन के वॉल्यूम के लिए आपको सिलेंडर के वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कोन होता है, जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है ना। अगर यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे देखिए कोन भी बना है सिलेंडर भी बना है, तो ये सिलेंडर जो है वो कह सकते हैं 3 times कोन से मिलकर बना, यानी 3 कोन से मिलकर बना, अगर इसके जैसे 3 कोन को मिलाया जाए तब जाके एक सिलेंडर कंप्लीट बनेगा, ठीक। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए अगर वॉल्यूम से देखें तो ये क्या है, ये कोन है और ये क्या है, सिलेंडर है। अब इस वाले कोन में अगर हम 3 times पूरा भर भर के पानी ले, पूरा भर के पानी ले, 1 time डाला फिर इसी कोन में, फिर पानी ले, फिर सिलेंडर में डालें, फिर तीसरी बार पानी ले भर के फिर इसको डालें, यानी 3 times अगर इस कोन में पानी भर के इस सिलेंडर में डालेंगे 3 बार तब ये सिलेंडर पूरा भरेगा, है ना। ये इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आपको पता रहे कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो होता है वो 3 कोन से मिलकर बना होता है, अगर सिलेंडर जो है वो 3 कोन से मिलकर बना है तो कोन क्या हुआ, इस सिलेंडर का 1/3 पार्ट हुआ, 1/3 पार्ट हुआ, है ना। जब कोन जो है सिलेंडर का 1/3 पार्ट है तो जो कोन का एरिया होगा वो भी सिलेंडर के एरिया का 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया तो आपको पता है, सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको पता है कोन जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, तो कोन का एरिया जो होगा वो भी सिलेंडर के एरिया का 1/3 होगा, यहाँ पे 1/3 कर देंगे, यानी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 होने का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप वॉल्यूम भी जानिए, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। 1/3 क्यों लगा आपको पता है, ठीक, अभी बताया हमने क्यों 1/3 क्यों लगा है, क्यों, क्योंकि जो कोन होता है, जो कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। जैसे पानी वाला एग्जांपल ले लीजिए,
तीन बार इसके कोन में अगर हम पानी भर के डालेंगे, वन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, तब जाके ये पूरा भरेगा। यानी क्या हुआ, यानी सिलेंडर जो है वो क्या है, सिलेंडर जो है वो थ्री कोन से मिलकर बना हुआ है ना। यानी कि जब सिलेंडर जो है थ्री कोन से मिलकर बना हुआ, यानी कोन क्या हो गया, कोन जो है वो सिलेंडर का वन थर्ड पार्ट हो गया। और जब कोन सिलेंडर का वन थर्ड पार्ट है तो जो सिलेंडर का एरिया है, जब कोन के एरिया हम निकालेंगे तो कोन का एरिया भी सिलेंडर के एरिया का वन थर्ड होगा। कोन का एरिया जो है वो भी सिलेंडर के एरिया का वन थर्ड होगा। तो सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच का वन थर्ड यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहे, और कैसे आया है ना, किसका किसका क्या रिलेशन ये बता रहे, ठीक है। ये कोई प्रूफ नहीं बता रहे कि आप फॉर्मूला, आपको डेरिवेशन नहीं बता रहे, ये लॉजिक बता रहे ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहे, ठीक है। और फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और कभी किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आता कि प्रूफ करके देखिए, फॉर्मूला कभी नहीं आता और ना आएगा, ठीक। खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और बेसिक्स याद होने चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए कि कहां से आया, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। ये कोण का हो गया, चलिए इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद अगले फिगर देखते हैं, अगले सॉलिड्स देखते हैं, ठीक है, करिए। एक मिनट, एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज छूट गया है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए कोण की बात है, तीन फॉर्मूले तो होते ही, एक और लिख ले रहे हैं फॉर्मूला। यहां पे देखिए, आपको बताया गया ये जो कोण है ये क्या है, राइट सर्कुलर कोण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइट और ये जो रेडियस है वो राइट एंगल बनाता है ना। अगर यहां पे देखिए राइट एंगल बनाएगा तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर यहां बात करें ओ ए बी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां 90 बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे बेस क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी, है ना। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, इसमें क्या लगा जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, इसको इधर लिखिएगा, इसको यहां पे, अगर यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एच, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एच, एच स्क्वायर, बेस क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर स्क्वायर। यानी यहां पे अगर फॉर्मूला एल की वैल्यू निकालें तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यानी फॉर्मूला किसका है, स्लैंट हाइट का। जब भी आपको तीनों चीजों में से, वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस में से कोई दो चीजें दी हो और थर्ड कोई तीसरा कोई तीसरी चीज निकालनी हो, इसमें से एल एच आर, एल एच आर में से अगर कोई दो चीजें दी हो और तीसरी चीज की जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना करिए, फिर आगे देखते हैं।